हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? भाई कंसान, मैं ठीक हूँ। खैरियत है? आपने इस टाइम पे कॉल की, कोई काम था? मिस मरियम, बस दो चार दिन की बात है, फिर बगैर किसी वजह के, बिना वजह, बगैर किसी काम के मैं फोन किया करूंगा और आपको अटेंड भी करनी होगी और मुझसे बात भी करनी होगी और मेरी बात सुननी भी होगी। कहने का मतलब यह है कि आपके वर्किंग आवर्स बढ़ने वाले। मैं कल अपना रेजिग्नेशन दे दूंगी आपको। चलो वो तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन उससे पहले एक फेवर चाहिए। कैसी फेवर? सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। आपको पता है ना, जब हम कोई प्रोजेक्ट खत्म करते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट इशू करना होता है, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन कहते हैं। तो मेरे लिए तो अथॉरिटी अब आप ही है। क्या मतलब? अरे मतलब सब पता है आपको। मरियम जी, कहने का मकसद ये है कि आपके और मेरे दरमियान अब कोई भी अगर मगर नहीं हो, ताकि कोई इश्यूज ना हो। प्लीज मरियम, थोड़ा सा मेरा साथ दे। और अगर आ गए तो? मरियम, दादो से आज मिलने के बाद, उनसे सारी दिल की बातें कहने के बाद, आज मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूं। मैंने उनका दिल जीता या नहीं ये तो नहीं पता। तुम्हारी अम्मी को मेरा घर आना, इस तरह बात करना अच्छा लगा कि नहीं मुझे इसका भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैंने जो भी किया वो हम दोनों की बेहतरी के लिए किया। तो प्लीज खुद से कोई गड़बड़ मत करना, जो हो रहा है उसको होने देना, जस्ट गो विद द फ्लो। क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ नहीं पता, ना किसी ने कुछ बताया है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। प्लीज मरियम, अब खुद से कोई इशू क्रिएट मत कर देना, वरना तुम्हारे घर के बाहर आके धरना दे दूंगा। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि आपको धरने में कोई तकलीफ ना हो। खाना भी भिजवा दिया करूंगी और चाय पानी भी। भिजवाने की जरूरत नहीं है, खुद आना पड़ेगा।